हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। और गाइस, अब आप देख रहे हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे हमें ट्रेड करना चाहिए, जो हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेड स्ट्रैटेजी पे लेकर जा सकते हैं। सो गाइस, उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि हमारी पिछले टाइम की जो मार्केट थी, जो हमारी फ्राइडे को मार्केट रही, वो कैसी रही, और उस पर जो हमने आपको स्टॉक्स प्रोवाइड कराए थे, जो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट्स दिए गए थे, क्या वो हिट हुए या नहीं हुए, तो उनके बारे में हम पूरी बात करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्योंकि गाइज, मेरे पास बहुत लोगों के मैसेजेस आते थे कि आप जो स्टॉक्स बताते हैं या फिर आप जो निफ्टी के एनालिसिस बताते हैं, मुझे बताइए, अपनी अगली वीडियो में बताया करिए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, कैसे उन्होंने काम करा। तो उसी के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैं आपको अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँ। मैंने आप सब लोगों को कहा है कि गाइज, जो भी हम आपको स्टॉक्स देते हैं, वो पर्टिकुलरली पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड होते हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस में होते हैं, वो शूट अप करने वाले होते हैं। हम आपको वही टारगेट स्टॉक्स देते हैं जो अपने एक ब्रेकआउट लेवल पे आने वाले हैं, या ब्रेकआउट दे सकते हैं, या ब्रेकआउट देने के बाद बहुत तेजी से मोमेंटम दिखा सकते हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ टाइम पहले, मैं आपको लगातार आपको मैं 6 दिन से, जब मेरी 6 दिन पहले जो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैं तब से आपको लगातार कुछ स्टॉक्स के रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप बाय करिए। और वो स्टॉक्स मैंने आपको चार्ट्स में भी दिखाए थे, आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी गाइस मैंने शेयर करे हैं, क्योंकि वो पैटर्न्स ऐसे हैं, जब वो ऊपर निकलेंगे तो 10-20 रुपए के लिए ऊपर नहीं निकलेंगे, वो आपको 60 से 70 या 100 रुपए तक भी देकर जाएगा गाइस, वो पर्टिकुलर स्टॉक। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको आईबुल हाउसिंग फाइनेंस भी एक बार दिया था, या हमारा टारगेट उसमें हिट नहीं हुआ था उस दिन, पर अब आप देख सकते हैं कि 160 से स्टॉक 250 पहुंच चुका है, 2 दिन के अंदर अंदर वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर पहुंच चुका है। और गाइज, उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम आई है। डिविज लैब आप देखिए, मैंने आपके साथ चार्ट भी शेयर करा था किस तरीके से वो ऊपर बढ़ रहा है गाइज। टाटा एलेक्सी आप देखिए, आप HEG देखिए, HEG हमें अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया, डिविज लैब अपने क्लाइंट्स को बाय करवाया, टाटा एलेक्सी दिया आपको, वो सारी चीजें हमने आपको अपने उस पर भी प्रोवाइड कराई टेलीग्राम चैनल पे, और आपको बताया कि बाय करिए। और जिन लोगों ने करा होता वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे होते गाइस। हमने आपको कल कौन से स्टॉक्स दिए थे, फ्राइडे को, जो आप फ्राइडे के लिए ट्रेड कर सकते थे। हमने आपको दिए थे गाइस कि आप भेल ट्रेड करिएगा, क्योंकि भेल 44 के अराउंड ट्रेड करा है। मैंने बोला था 50 रुपए भी जा सकता है, और 50 को तोड़ेगा तो 60 रुपए भी जा सकता है, बहुत तेजी से ब्रेकआउट आने वाला है। और गाइस, आप देख सकते हैं कि 44 का स्टॉक क्लोजिंग कहां देता है गाइस, 54 पे या 55 पे मूवमेंट आप देख सकते हो, 10 रुपए भागा ये पर्टिकुलर स्टॉक। ये किस तरीके से हमने आपको जो कॉल्स प्रोवाइड कराई है, कितनी इंपॉर्टेंट कॉल्स थी, और आपको हमने बताया था कि जरूर ट्रेड करिएगा। आप HEG देखिएगा, HEG मैंने आपको 2 दिन पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पे 900 रुपए में बोला था कि बाय करो, ब्रेकआउट आने वाला है, और आपको बताया था क्या क्या आपने उस पर पैटर्न बने, क्या क्या चीजें हमें शो कर रही है कि हम आपको बाय करा रहे हैं, वो अगले दिन ही 1000 रुपए हो गया है। और अगर हम बात करें KSCL की, कावरी सीट्स की, तो मैंने आपको बोला था कि गाइस बाय करिए, ज्यादा मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं है, पर ये अपने ब्रेकआउट को देने वाला है, आप वीडियो को जाके जरूर देखिए गाइस, उसने भी 30 रुपए की मूवमेंट दिखाई है। कॉनकोर की बात करें तो कॉनकोर ने भी मूवमेंट दिखाई है, और जो नेक्स्ट स्टॉक आपको दे रखा था, सारे पर्टिकुलर गाइस आपको सारे के सारे स्टॉक्स में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप BEML को देखिए, BEML ने तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, कोई स्टॉक नहीं था जिसका हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और पर्टिकुलर सबके टारगेट हिट हुए, टारगेट क्या, हमारे टारगेट से 3 गुना ऊपर गया गाइस वो पर्टिकुलर ये सारे स्टॉक्स। तो कुछ चार्ट्स में हमें ऐसा दिखता है, तभी हम आपको वो कॉल्स प्रोवाइड कराते हैं, वरना नहीं करवाते। अब ये 5 स्टॉक्स जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इन 5 स्टॉक्स में भी हमें कुछ ऐसा दिख रहा है, पर मार्केट में हमें देखिए स्टॉक्स पे ट्रेड करना है, स्टॉक स्पेसिफिक हमें रहना है, पर साइड में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है निफ्टी और बैंक निफ्टी, क्योंकि वही हमारी मार्केट को बताती है कि मार्केट बियरिश है या बुलिश है। तो गाइस, अब मार्केट अपने एक ऐसे हाईली रेजिस्टेंस पे आ गई है, अपने बहुत टॉप रेजिस्टेंस पे आ गई है मार्केट, कि वहां से अगर वो उसे तोड़ती है तो गाइस बहुत एक्सपेक्टेड है कि हम 12,000 के लेवल तक भी आराम से पहुंच सकते हैं कुछ ही टाइम पे। और अगर ये रेजिस्टेंस को वो फेस नहीं कर पाती है, और बहुत तेजी से अगर हम नीचे की तरफ डाउन साइड देखते हैं, तो वहां से भी हम गाइस दोबारा 11,000 के लेवल भी देख सकते हैं। तो किस तरीके से काम करना है वो अब हमें बहुत ध्यान से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके साथ ही हम अपने स्टॉक्स की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम आपको बाय रिकमेंड दें या आपको शॉर्ट की रिकमेंड दें। आप देख सकते हैं कि जब भी मैं आपको कोई शॉर्ट की रिकमेंड देता हूँ कोई पर्टिकुलर अपने वीडियो पे, तो एक या मुश्किल से दो ही होते हैं
जब हम बाय की तरफ बनते हैं, क्योंकि मार्केट एक वॉलेटाइल है। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि कोई एक स्टॉक अगर हो तो वो शायद हमें, अगर वो मार्केट डिप दे तो वो स्टॉक हमें लिस्ट और शॉर्ट पे भी प्रॉफिट कमा के दे जाए। तो सॉरी गाइस, अब हम आपके लिए पांच स्टॉक्स लेकर आए हैं, साइड में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी लेकर आए हैं, क्योंकि मंडे का दिन यानी कि जो नेक्स्ट वीक है, अगला हफ्ता जो है वो बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि वो ही हमारे आगे का टाइम को डिस्क्राइब करते हुए चलेगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके की पोजीशन लेनी है। ये देख सकते हैं जो मार्केट में मोमेंटम देख रहे हैं, जो रैली देख रहे हैं, ब्रेग्जिट की जो एक न्यूज आई है कि ब्रेग्जिट हो सकता है उसकी वजह से आई है। तो गाइस, ब्रेग्जिट को अगर हम बीच में से काटे तो एक तरीके से मार्केट के लिए ये है कि बियर एग्जिट, ब्रेग्जिट जो ये न्यूज आई है उसके लिए क्या हुआ कि बियर एग्जिट हुए हैं। तो गाइस, अब हमें ये बियर को एग्जिट कब तक वैलिड रह सकता है, कब तक स्टेबल रह सकता है, वो हमें देखना है। वो चार्ट्स में हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देखेंगे। सबसे पहले स्टॉक्स की बात करते हैं, कौन से स्टॉक्स पे आपको ट्रेड करना है। ये जो स्टॉक्स है पांच, इनके भी चार्ट्स हो पाए प्रॉबेबली तो मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, अपने चैनल के अंदर जाके शेयर कर दूंगा, या फिर आपको मैं मैसेज में बता दूंगा अपने टेलीग्राम पे कि इन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ऐसा क्या बन रहा है, क्या पैटर्न्स बन रहा है, कि आप खुद जाके स्टडी करिए कि हम आपको क्या कॉल्स प्रोवाइड करा रहे हैं। यही जो कॉल्स आपको मैंने बताई थी एच ई जी, जो 900 रुपए में था, जो कि 1000 रुपए दो दिन में चला गया, ये ऐसे कुछ स्टॉक्स आप इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देख सकते हैं, 160 रुपए का 250 रुपए दो दिन में चला गया। ये कुछ स्टॉक्स हम आपके साथ अपने स्विंग कॉल स्ट्रैटेजीज पे भी शेयर करेंगे, जो हमने अपने अपने पेड क्लाइंट कॉल्स पे रखी हुई है, पेड क्लाइंट्स के लिए रखी हुई है, जो हम आपके लिए एक दिवाली बंपर ऑफर लेकर आए हैं। ये सारी चीजें जो पोर्टफोलियो के लिए बेस्ट स्टॉक्स हैं वो सब आपके लिए साथ शेयर करे जाएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन पे मेरा ईमेल एड्रेस है, साथ में मेरा फोन नंबर भी है, व्हाट्सएप करिए मुझे डायरेक्ट, क्योंकि मैं फोन कॉल ज्यादा अटेंड नहीं कर पाऊंगा, तो व्हाट्सएप करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा और आपकी सारी क्वेरीज को फुलफिल करा जाएगा। बढ़ते पहले स्टॉक की तरफ जो कि HDFC बैंक है। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक में पर्टिकुलरली एक के अंदर दो पैटर्न्स बने हैं, इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर दो पैटर्न बने हैं, और वो दो पैटर्न का ब्रेकआउट का लेवल जो है वो एक लेवल है जो कि है 1235-1240 का लेवल। यस गाइस, अगर ये 1235 का लेवल ब्रेक करती है कल HDFC बैंक, तो वहां से 1243-1262 या फिर 1300 तक के लेवल्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि दो पैटर्न्स का ब्रेकआउट है। 1219 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ, जितना डिप मिल जाए आप कोई बात नहीं, पर आपको क्लोजिंग बेसिस के अंदर 1219 का ही क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना। जब ये 1235 के ऊपर जाएगा तभी ट्रेड करना, वरना ट्रेड नहीं करना, क्योंकि जो दब दो पैटर्न्स एक तरीके से कोलाइड करते हैं, और उसके बाद अगर उनका जो ब्रेकआउट का जो एक पॉइंट है वो दोनों का सेम होता है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस माना जाता है गाइस, और वहां से अगर वो फिसलता है तो बहुत ज्यादा नीचे गिरता है। तो आपको मैं यही कहूंगा, अगर आप रुकना चाहते हैं, क्योंकि अगर 1235 का ब्रेकआउट देता है तो 1243 के लिए बिल्कुल मत रुकेगा, क्योंकि 1262 भी आपको दे सकता है। तो वेट करिए थोड़ी देर, अगर ये 1235 के ऊपर सस्टेन करता है तब बाय करिए, और एक्सपेक्टेड टारगेट्स बहुत हायर है। IGL बाय करने की मैं सलाह दूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, क्योंकि इस पे भी एक तरीके से अगर हम बात करें तो दो पैटर्न बन रहे हैं, दो पैटर्न नहीं कहूंगा, एक पैटर्न और एक स्ट्रैटेजी है जो वो कंबाइन कर रही है, जिसका एक टारगेट निकल के आ रहा है, दो टारगेट स्पेसिफिकली, और उसके ऊपर का इसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि इसके ऊपर ये जा सकता है, क्योंकि ये जो दो टारगेट्स हैं इन दो टारगेट के बीच पे ही हमें IGL पे एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, जो कि हम उस पे डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी 379 पे इसकी क्लोजिंग है, 384-387 इस रेंज के बीच पे ये IGL कभी भी आए तो शॉर्ट पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से हम एक सेल टारगेट इनिशिएट करके चल सकते हैं। आपको बता दूंगा जब आपको शॉर्ट करना होगा, आपको अपनी वीडियो में बता दूंगा, आप खुद शॉर्ट मत करिएगा बिना बताए, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर भी निकल जाता है तो अलग पैटर्न क्रिएट हो सकते हैं, तो अभी के लिए बाय है ये। HCL टेक शॉर्ट करने की सलाह, ये सारे स्टॉक्स हम आपको बता रहे कि पैटर्न बेस्ड है, तो मैं आपको भी सिर्फ बता देता हूँ टारगेट और स्टॉप लॉस क्या है, पैटर्न्स आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े तो आप डेफिनेटली आप मार्केट पे सस्ते नहीं कर रहे होंगे गाइस हमारे कॉल्स के थ्रू, क्योंकि हम आपको टेलीग्राम चैनल पे बहुत सीरियसली कॉल्स प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत सीरियसली आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत से लोग हैं, मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं कह सकता, बहुत लोग थे, बहुत लोग गाइस जिन लोगों ने हमारी ये कोर्स की सर्विस
को लेने के बारे में सोचा, मैम जो फ्री कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं उनको लेने के बारे में सोचा, उसी के साथ जो लोग नहीं ले पाए, जिन लोगों को मैंने मना कर दिया, ये सारी चीजें अब मैं अभी जब तक ये कोर्स मेरा बनने में टाइम लग रहा है, इस मंथ एंड तक बन जाएगा प्रॉबेबली, तब तक मैं क्या चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ टेलीग्राम चैनल पे, जो लोगों को मैं कोर्स नहीं दे पाया या फिर जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें अभी तक नहीं मिला, तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हुई स्टडी करिए गाइस, जो आपको कोर्स प्रोवाइड करी जा रही है मेरे पैटर्न्स के थ्रू, और आप डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करेंगे। HCL टेक शॉर्ट 1088-1081 के टारगेट, स्टॉप लॉस आपको 1109 का मेंटेन करना है, 1109 क्लोजिंग डिस्टेंस पे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर बंद होता है तो हम शायद नए पैटर्न या पॉजिटिव के ऊपर बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसके लिए अभी ये शॉर्ट है। क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूं, अगर इसके आसपास भी कभी मिल जाए तो शॉर्ट एक बार और इनिशिएट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस पर्टिकुलरली एक ब्रेकआउट मिला है बजाज फाइनेंस के अंदर, तो ब्रेकआउट मिलने के बाद आपके जो हायर टारगेट्स है वो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, तो 4137 की इसकी क्लोजिंग है, आपको 10-20 रुपए नीचे मिलता है, जो कि प्रॉबली मुझे लगता है कि इतनी मार्केट की रैली के बाद शायद कल मार्केट एक थोड़ा सा फॉल ले ले मार्केट ट्रेस करने के लिए, तो वहां पर अगर आपको 1420 या 1420 के नीचे भी मिल जाए तो भी एक बार आप इसे बाय करके चलिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1480-4217। हाँ गाइज, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ से 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक के टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं, पर स्टॉप लॉस भी आप देख लीजिए कि आपको 40 से 50 रुपए का भी दिए जा रहा है, तो डीप स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। HDFC लाइफ बेस्ट स्टॉक फॉर पोर्टफोलियो, पर अभी के लिए थोड़ा रिट्रेसमेंट की जरूरत है, थोड़ा शॉर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि रिट्रेसमेंट इसकी लिए जरूरी है, तो शॉर्ट करिए। 602-595 इसका टारगेट होगा, स्टॉप लॉस आपको 617 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा HDFC बैंक के, HDFC लाइफ के अंदर। तो गाइस, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होती तो आपको जो मैंने लेवल्स बताए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट 10-20 रुपए ऊपर ही जाके उसने अपना बंद हाई मारा होगा, पर एग्जैक्ट वो लेवल थे। सॉरी गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने आपको ये पैटर्न बताया था, आपको बताया था कि ये एक चैनल है, उसके बाद डाउन ट्रेंड का और एक अपर राइजिंग चैनल एक बनाया, डाउन ट्रेंड का चैनल का ब्रेकआउट इसने इस लेवल पे दे दिया था, हमने बाय की पोजीशन आपको दे दी थी, उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर कहा था 38.2 रिट्रेसमेंट लेवल पे, आपको यहाँ पर मैंने कहा था बाय करिए, और जो टारगेट होगा वो एग्जैक्ट 0% लाइन, जो कि ब्लैक लाइन है, वहां तक होगा, मतलब इसका जो प्रीवियस हाई है, प्रीवियस हाई इसका क्या है आप देख सकते हैं, इसका प्रीवियस हाई अकॉर्डिंगली टू 11,694 का, और अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट का हाई क्या था, 11,685, यानी कि 10 रुपए अपने टारगेट से हिट होने से रह गया, पर आप देख सकते हैं कि अपर हायर रेजिस्टेंस पे ये पहुंच चुका है, यानी कि वी टाइप पैटर्न, यानी कि इसने एक अपर एंड कप टाइप पैटर्न बनाया, अगर अब ये यहाँ सस्टेन करता है, अगर हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलरली अपने 11,540 के लेवल को ब्रेक नहीं करता और अपने 11,700 के लेवल को भी ब्रेक नहीं करता, ये अगर इसी रेंज में थोड़े टाइम कंसोलिडेट करता है तो ये एक अप एंड हैंडल का पैटर्न का फॉर्मेशन बना लेगा, वहां से भी हम हायर साइड पे ब्रेकआउट देख सकते हैं, पर बहुत हैवी रेजिस्टेंस है ये, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी के मुकाबले देखें तो निफ्टी बहुत ही बेहतर स्ट्रॉन्गर है, बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब यहाँ से क्या टारगेट्स और क्या निकलते हैं, सलाह मैं आपको ये दूंगा, बाय तो बिल्कुल भी मत करिए, बिल्कुल भी बाय नहीं करनी है मंडे को, बिल्कुल शॉर्ट करना है, कब करना है वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये जैसे ही हमारा लेवल 1150 का लेवल ब्रेक करती है, अगर 1150 का लेवल ब्रेक करती है 15-20 मिनट के चार्ट पे, अगर वो क्लोजिंग देती है कैंडल की, पहली कैंडल की क्लोजिंग रेड कलर पे कह रहा हूँ, और अगर दूसरी कैंडल भी रेड कलर पे खुलती है तो शॉर्ट करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 11,550 और 11,480, पोजिशनल है जो कि मुझे लगता है कि आ सकता है, बाय नहीं करना, बाय के लेवल्स हम बताएंगे ब्रेकआउट जितना हो जाए, बाय के लेवल्स नहीं करने, बाय के लेवल में आपको बताऊंगा कि कब करना है कैसे करना है, वो भी अगली वीडियो पे। बैंक निफ्टी आपको बहुत बढ़िया तरीके से गाइज मैंने बताया था, बहुत बढ़िया तरीके से कि ये लाइन है जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है 200 मूविंग एवरेज, ये हमारा मिड लाइन का काम करेगी, यानी कि इसके नीचे जैसे ही जाता है और 15 मिनट की कैंडल पे जाता है तो शॉर्ट करिए, इसके आसपास अगर आपको मिलता है तो बाय करिए, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट इसने इस लाइन को कल इंट्राडे पे सपोर्ट माना और उछल गया, और मेरा ले जो टारगेट था वो एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल था जो कि उसका हाई था, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का जो हाई था एग्जैक्ट मेरा यही लेवल था, मेरी वीडियो पे जाके सुन सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि 29
240, 29, 250 तक मार्केट जा सकता है, बैंक निफ्टी जा सकता है, तो वही हुआ। अब बाय हमें नहीं करना है, बाय कब करना है, जब ये 229,300 के लेवल को ब्रेक करती है। हाँ गाइस, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करनी होगी, तब जब ये 29, जब भी कल मार्केट अगर खुलती है और अगर ये आपको थोड़ा सा भी ऊपर मिलती है तो शॉर्ट करिए फॉर अ टारगेट ऑफ 29,000 और 28,870 का स्टॉप लॉस आपको 29,300 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और मैं आपको सलाह यही दूंगा, जो सेफ ट्रेडर्स हैं उनके लिए सलाह ये है, कल कोई ट्रेड नहीं लेना। मंडे को कोई भी ट्रेड बाय या शॉर्ट पे मैं सलाह दूं तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में मत लीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए कल के लिए, मंडे के लिए, क्योंकि वो अभी डिसाइड करेगा कि पूरे वीक में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको ये दिवाली बम्पर ऑफर चाहिए तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो कि पहले 15 मेंबर थे जो 3 महीने के लिए ये 6,000 रुपये पर मेरी सर्विस ले सकते हैं। उसमें से 12 लोग ले चुके हैं ऑलरेडी, तो सिर्फ 3 लोग रह गए हैं, और जो 3 लोग लेना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है, और उसके बाद भी जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, पर उनके लिए 2 महीने के लिए ही ये वैलिड रहेगा, तो आप तब भी ले सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो पर, तो मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ।